सभी पर आता है, लेकिन कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कहते हैं कि समय लगातार सभी पर बदलता रहता है, वही ग्रहों की चाल भी सभी पर बदलती रहती है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से आपकी ग्रह चाल सही हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में, और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रविशंकर ज्योतिषाचार्य। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम समय चक्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि समय ना सभी पर बदलता रहता है, हम बार बार कहते हैं कि कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पंडित जी कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है। ओम भूमाय नमः, ओम भूमाय नमः, ओम भूमाय नमः, ओम भूमाय नमः, ओम भूमाय नमः। विक्रम संवत 2080 मृग शिरा मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, दिन मंगलवार, दिनांक 28 नवंबर 2022, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में, सिद्ध योग सूर्योदय प्रातः 6:35, सूर्यास्त सायं 5:12 पर, राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है, अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज के राशिफल के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आज किस राशि के लिए कितना खास होने वाला है ये दिन। तो शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के सितारे आज पंडित जी क्या कुछ कहते हैं। मेष राशि वालों को खर्च पर अपने नियंत्रण रखें, धार्मिक कार्य में रुचि आपकी बढ़ेगी, यात्रा से हानि है तो यात्रा से आज के दिन बचें आप, फिजूल खर्ची से भी बचें और मन को शांत रखें। वृषभ राशि, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, मानसिक शांति रहेगी, साथ ही आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं आज, आप दवाओं पर खर्च हो सकता है, अगर कोई आपके परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका ध्यान रखें, व्यापार में आपको हानि हो सकती है, साथ ही आपको संतान पक्ष से लाभ होगा आज के दिन। जैसा कि हमने तीन राशि यानी कि मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में जाना, अब इसी कड़ी में हम रुक करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं पंडित जी। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए भाई बहन में आज स्नेह बढ़ेगा, साथ ही आप आय के नए स्रोत भी आपके बनेंगे और जो आप पूर्व में मेहनत किए हैं उसका फल आज मिलेगा, साथ ही आपको सफेद चीजों का दान करेंगे तो धन लाभ के योग आज बन रहे हैं। अगली राशि सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए माता पिता से सम्मान में वृद्धि होगी, माता पिता का सम्मान भी करें तो आपके सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रतिउन्नति, नौकरी में आपका प्रमोशन के योग बन रहे हैं, साथ ही आपको अधिकारियों से विशेष लाभ होगा और आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे, महिला मित्र से आपको सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही विद्यार्थी अगर शिक्षा में रुचि नहीं लग रहा है तो आज से दृढ़ निश्चय करें, आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही संतान पक्ष से लाभ होगा। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, हम ज्योतिषी के जरिए अपने भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे साथ आज क्या घटित होने वाला है हम ये जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी कोई सुझाव है या फिर कोई राय है, आप अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या SMS के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे रुख करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में कि इनके सितारे पंडित जी आज क्या कुछ कहते हैं। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए शत्रुओं से सावधान रहें आज, कोर्ट कचहरी का अगर कोई आपका मामला रुका हुआ है तो आज सफल हो सकता है, साथ ही आपके कार्य आज पूर्ण हो सकते हैं जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि, अगर रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन से संबंधित अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आज आपको विशेष लाभ होगा ऐसे जातक को, और रुका हुआ अगर आपका कहीं धन फंसा है तो वो भी मिलने का आज पूरा आसार है, उस पर कोशिश करिए तो मिल सकता है, साथ ही मन को शांत रखिए और
अपने अंदर सकारात्मक विचार रखिए तो विशेष लाभ होगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज व्यवसाय से विशेष लाभ होने के योग है। साथ ही आपको आज के दिन अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए तो आपका कार्य और बनेगा। फालतू के यात्रा से बचें, अगर आना आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें, नहीं तो आपको कुछ हानि हो सकती है। साथ ही आपको प्रगति, आपके कार्य की प्रगति आज संभव है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको प्रगति मिलेगी। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मकर कुंभ और मीन राशि के सितारे। आज पंडित जी क्या कुछ कहते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि, भाग्य का पूरा साथ आज मिलेगा आपको। साथ ही आप अपने पिता का भी पूरा आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आज शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर किसी को या कोई व्यक्ति आपसे कर्ज मांग रहा है तो थोड़ा सा आप सोच समझ कर दें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। रुका कार्य आज फिर से शुरू होगा और कार्य आपके संपन्न होंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आप पिछला किया हुआ परिश्रम आपको आज लाभ देगा, कार्य पूर्ण होंगे, करियर में विशेष लाभ मिलने के योग हैं। साथ ही अगर आप वाहन चला रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। लोहे से कार्य अगर कर रहे हैं ऐसे जातक को आज विशेष लाभ मिलने का योग है। अगर आप कोई फैक्ट्री कारखाना चला रहे हैं तो आज आपको विशेष ऑर्डर मिल सकता है। साथ ही अंतिम और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे आपके। फिजूल खर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं मन अशांत रहेगा शाम होते होते। धर्म के प्रति आपका आस्था बढ़ेगा। साथ ही आपको किसी साधु जन से आज मुलाकात हो सकती है, जिसका पूरा शुभ आशीष आपके साथ रहेगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। अभी हमने आपको 12 राशियों के सितारे क्या कुछ कहते हैं हमने ये बताया कि इन राशियों के लिए क्या कुछ खास है। अब इसी कड़ी में पंडित जी हमारे पास ईमेल के माध्यम से लगातार सवाल आते रहते हैं। तो एक सवाल आया है मानसी का नोएडा से, और उनकी जो जन्म तिथि है वो 10 फरवरी 2001 है, और इनका समय है सुबह का 9:10। और इनका सवाल है कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और साथ ही साथ इनका जो करियर है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफी परेशान रहती है पंडित जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? देखिए स्वप्निल जी, जो आपने सवाल पूछा है, जो मानसी जी का सवाल है, वो 10 फरवरी 2001 सुबह के 5:10 है जी। तो इनका जो जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को जन्म हुआ है, शनिवार दिन है, पूर्वा फाग्नि नक्षत्र है। इस हिसाब से जो इनकी कुंडली तैयार हुई है, मीन लगन की इनकी पत्रिका है और इनकी सिंह राशि है। राशि स्वामी सूर्य आय एकादश भाव में बैठे हैं, तो इनको इनके कुंडली में जो सूर्य है वो अस्त के हैं, इसलिए इनको थोड़ा सूर्य का उपाय करना चाहिए। अगर इनको करियर में दिक्कत आ रही है तो इनकी अभी जो दशा चल रही है, मंगल में शनि में शनि, अभी मंगल में शनि में बुध आएगा तो इनके करियर में स्थान परिवर्तन का भी योग है और इनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। हालांकि बुध इनका द्वादश में वक्री होके बैठा है तो इनको खर्चे पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। ये समय निकल जाता है तब किसी बात का ध्यान करती है, सोचती है, जिससे इनका कार्य सफल हो जाता है। साथ ही इनके जीवन में इनको थोड़ा अपने मन को शांत रखना चाहिए, आस्था बहुत रहेगी। शुक्र लग्न में है तो लग्न में शुक्र होता है, हर सुख सुविधा मिलेगा, और शुक्र जो है मीन राशि में बैठा हुआ है तो इस वजह से अपने शुक्र जो है अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ, इसलिए इनको विशेष लाभ होगा और हर सुख सुविधा जीवन में मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें और भगवान के प्रति अपनी आस्था रखें, सूर्य का उपाय करें और साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, इनके कार्य जरूर सिद्ध होंगे। तो जैसा कि मानसी पंडित जी ने बताया कि आपके करियर में उतार चढ़ाव जो चल रहा है वो कुछ दिन बाद, यानी कि अगर आप धैर्य रखती हैं तो समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसी कड़ी में पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन का विशेष क्या है। देखिए आज के दिन का विशेष, आज मंगलवार दिन है, लोग हनुमान जी की विशेष पूजा करते हैं, यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है।
तो हम कुछ उपाय आपको बताएंगे। अगर आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आज मंगलवार के दिन स्नान ध्यान करके आप किसी हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर उनको मदार आप सभी जानते होंगे, मदार के पत्ते का एक माला बनाइए, उस पर श्री राम लिखिए और आप उनको उनके गले में धारण कराइए, जिससे आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। समर्पित करिए और अपनी हर कामना करिए। आज के दिन आप तुलसी की भी माला भगवान हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपकी विशेष कृपा होगी क्योंकि तुलसी भी अति प्रिय है हनुमान जी को। साथ ही यदि आप एक छोटा सा उपाय, आपके रसोई की साफ सफाई नहीं रखते हैं और उसको थोड़ा सामान जो है बिखरा पड़ा रहता है, तो इससे आपको जीवन में दिक्कत आ सकती है क्योंकि मंगल ग्रह आपका इससे खराब होगा और आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। तो अपने रसोई घर का, किचन का साफ सफाई रखें अच्छे से, एक कोई भी कोना छूटे ना, उसकी साफ सफाई आप दिन प्रतिदिन करते रहें, इससे आपका मंगल ग्रह शांत रहेगा और आपको वाहन संबंधी, घर संबंधी ऐसी सुविधाएं मिलेगी और मंगल आपके अरिष्ट नहीं होंगे, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। ये आप विशेष ध्यान रखिए। और अगर कोई हमारी बहनों का अगर विवाह भी विलंब से हो रहा है तो आप अपने किचन की साफ सफाई जरूर करिए, विवाह के प्रबल योग बनेंगे क्योंकि मंगल अगर अरिष्ट रहेंगे आपसे, वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे तो आपके विवाह में भी विलंब हो सकता है। तो ऐसे लोग ये उपाय करें, अपने किचन की साफ सफाई करें और जूठा बर्तन भी ना ज्यादा समय रहने दें, तो इससे मंगल आपका मजबूत होगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। पंडित जी ने बताया कि आज के दिन का विशेष क्या है, हमें क्या उपाय करना चाहिए जो हमारा ये दिन खास बन सके सभी राशियों के लिए। अब इसी कड़ी में आगे हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए कितना अनुकूल होने वाला है। पंडित जी देखिए, आज कुंभ राशि, आप कर्क राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल है, शेष सारे राशियों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव है, तो संभल कर रहना होगा। और विशेष अपनी अपनी राशियों का अभी जैसे बताया गया, आप ध्यान रखिए, ऐसा करिए तो आपके जीवन में जरूर खुशियां आएंगी। और सभी के लिए आज मंगलवार है तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, आपके सारे विघ्न हरता हर लेंगे भगवान हनुमान जी और आपको तरक्की का मार्ग दिखाएंगे। एक छोटा सा और उपाय है, आज मंगलवार के दिन है, अगर कोई कार्य आपका नहीं भी सिद्ध हो रहा है या रुकावटें आ रही है, तो आज से शुरुआत करिए, सरसों के शुद्ध तेल में 2 लौंग डालकर हनुमान जी के सामने घर में या मंदिर में दीपक जलाइए, अनवरत 21 दिन करिए, आपके कार्य बनने लगेंगे। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि प्रयास, धैर्य और शांति मन में बनाए रखें, जिससे आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे और साथ ही साथ अपने भाग्य और ज्योतिषी पर भी ध्यान दीजिए। और इसके साथ ही हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये सभी ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज हमारे खास प्रोग्राम से हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।